हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10 की फिजिक्स की एमसीक्यू। सो हमारा चैप्टर नंबर है 11 चैप्टर, हमारा प्यारा सा चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। एंड आई थिंक बच्चों, आप सबको पता है कि सीबीएसई ने 2020 के एग्जाम पैटर्न में काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैंने उस पर अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो देख सकता है। नहीं तो मैं क्या करूंगी कि उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाकर एक बार देख लेना, ठीक है। सो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सो स्टूडेंट, इसके ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इट्स। पूछ रहा है कि जो ह्यूमन आई है हमारी, वो जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो कहाँ पर बनाती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्निया, सेकेंड प्यूपल, थर्ड आयरिस एंड डी रेटिना। सो स्टूडेंट, पहले आप खुद से आंसर देना, ठीक है। हर एमसीक्यू का खुद से आंसर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, सो दैट आपको पता चले कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अभी, मतलब दिसंबर मंथ चल रहा है तो अभी तक आपके सारे चैप्टर अच्छे से हो चुके होंगे। सो एक बार आप खुद से कमेंट करना, ठीक है, इसका आंसर क्या है, और फिर मुझे लास्ट में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए थे, सो दैट आपको आपकी परफॉर्मेंस का अच्छे से पता चल सके। और डोंट वरी, अगर आपके कुछ आंसर गलत भी होंगे, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, अभी भी टाइम है। अगर गलत होता है तो अच्छी बात है ना, फिर क्या होगा, आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या था। अगर आप गलत करके सीखते हो ना कुछ, तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा आपको। और उसके सेकेंड बेनिफिट ये भी होगा कि आप उस कंसेप्ट को और अच्छे से सीख पाओगे, ठीक। सो जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है वो क्या होगा, रेटिना। हमें पता है कि ह्यूमन आई में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना पर ही बनती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, दैट इज रेटिना, क्लियर। सो द सेकंड वन इज द फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। लाइट का कौन सा फिनोमिना है जो कि ह्यूमन आई की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेदर इट इज, फर्स्ट ऑप्शन इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज रिफ्रेक्शन, थर्ड इज अकोमोडेशन एंड डी इज नन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर है हमारा बी, दैट इज रिफ्रेक्शन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंस इज डन बाय द एक्शन ऑफ। सो इसका आंसर बताओ क्या होगा। सो इसका आंसर है हमारा सी, दैट इज सिल्वरी मसल्स, ठीक। सो द फोर्थ वन क्वेश्चन इज, व्हेन वी एंटर द डार्क रूम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इमीडिएटली थिंग्स इनसाइड द रूम डोंट अपीयर क्लियर टू अवर आईज। कहता है कि अगर हम किसी डार्क रूम में एंटर करते हैं बाहर से, तो ठीक है, हमें क्या होता है, उस रूम में जो सब कुछ है वो क्लियरली दिखाई नहीं दे पाता, तो वो किस कारण से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पीपल डोंट ओपन एट ऑल इन द डार्क, सेकेंड इज पीपल टेक टाइम टू एडजस्ट, थर्ड इज लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन डार्क रूम, डी इज पीपल ओपन वेरी क्विकली इन द डार्क। सो इसका राइट आंसर है पीपल टेक टाइम टू एडजस्ट, ठीक। सो बच्चों, जी एमसीक्यू मैंने बहुत ही मेहनत से अलग अलग बुक को रेफर करके, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देख के, अपनी नॉलेज से बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, ठीक है। सो इनके ऊपर जरूर फोकस करना, एंड आई होप सो आप मेरी पिछली वीडियोस को भी देखकर उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर रही होंगी, ठीक है। तो इन एमसीक्यू का मोटिव ये है कि आपको एक बार दिखा दूँ कि जो आपका 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कैसे कैसे एमसीक्यू रहेंगे। एंड आई एम 100% श्योर कि इन एमसीक्यूज में एक एमसीक्यू जरूर रहेगा, क्योंकि हर चैप्टर में से आपको एक एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है। सो इन वाले एमसीक्यूज तो आप अच्छे से कर लेना, और अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्लियर। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ड्यू टू, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होएगा, अकोमोडेशन, ए ऑप्शन इसका आंसर है बच्चों। एंड सिक्स वन इज, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज। कहता है कि कम से कम कितना डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पर हम जो नॉर्मल विजन है हमारा रहता है, तो वो कौन सा डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो द सेवंथ वन क्वेश्चन इज,
इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज, कहता है कि जो हम ह्यूमन आई पर रेटिना पर इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सो एट्थ वन क्या है, एट्थ वन इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज व्हेन आई मसल्स, ठीक है, कहता है कि जो हमारी फोकल लेंथ है आई लेंस की वो इंक्रीज होती है कब, जब आई मसल क्या होते हैं, आर रिलैक्स एंड आई लेंस बिकम थिकर, कॉन्ट्रैक्ट एंड आई लेंस बिकम थिकर, थर्ड वन इज आर रिलैक्स एंड आई लेंस बिकम थिनर, डी इज कॉन्ट्रैक्ट एंड आई लेंस बिकम थिनर। सो इसका राइट आंसर इज ए, आर रिलैक्स एंड आई लेंस बिकम थिकर। सो द नाइन्थ वन इज अ पर्सन कांट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैप बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ लेंस ऑफ पार। कहते हैं कि एक पर्सन है उसको दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते 2 मीटर से बियॉन्ड, सो इस डिफेक्ट को हम किस लेंस की हेल्प से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है कि उसको दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, दैट मीन्स उसको मायोपिया की प्रॉब्लम है ना, और मायोपिया की प्रॉब्लम हो तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, है ना। सो इसमें उसने पावर की बात की है कि उस लेंस की पावर कितनी होगी। सो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। सो इसमें आप बच्चों क्या करोगे, 1 अपॉन 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 2 क्या है, हमारी फोकल लेंथ है, 1 अपॉन 2 से डिवाइड करोगे, सो हमारा आ जाएगा आंसर 0.5, क्योंकि उसे दूर का नहीं दिख रहा इसलिए उसके साथ क्या आएगा, -0.5 डायोप्टर, डी क्या है उसका पावर का यूनिट। और हाँ बच्चों, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बन सकता है, वो बोल सकते हैं कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, इसके यूनिट्स क्या है, ऑप्शन 1 दी होगी डायोप्टर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए डायोप्टर, क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओहो 10th क्वेश्चन, नैना इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। एक्चुअली यहाँ पर आपको कुछ भी बोल सकते हैं, चाइल्ड इज सिटिंग, गर्ल इज सिटिंग, बॉय इज सिटिंग, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, बट जो मैंने नैना लिया हुआ ना, एक्चुअली नैना इज वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट, सो इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया, ठीक है, शी इज सो इंटेलिजेंट गर्ल, एंड सो नैना को हम याद करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, नैना इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हर टेक्स्ट बुक, विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है कि जो हमारी नैना है वो लास्ट बेंच पर बैठी हुई है, ठीक है, एंड कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है, बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हर टेक्स्ट बुक, बट जो उसकी टेक्स्ट बुक पर कुछ भी लिखा हुआ है ना उसको वो सही से नहीं पढ़ पा रही। सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट, दैट मीन्स कि नैना को दूर का तो सब कुछ दिखाई दे रहा है क्लियरली, बट उसको नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा, सो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, द नियर पॉइंट ऑफ हर आईज हैज रिसीडेड अवे, ठीक है, इस मीन्स उसकी जो नजदीक की नजर है वो क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। सो द 11th क्वेश्चन इज, अ पर्सन इज एडवाइज टू वियर स्पेक्स विद कॉनकेव लेंस, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज ही सफरिंग फ्रॉम। कहता है कि किसी पर्सन को कॉनकेव लेंस लग गया, ठीक है, मतलब कॉनकेव लेंस की वो स्पेक्स लगा रहा है, सो उस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है, अगर कोई कॉनकेव लेंस लगाता है तो उसके मायोपिया का डिफेक्ट होता है, आपको पता है ना मायोपिया हो जाता है उसको। इस पर बच्चों और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे वो बोल दें कि किसी पर्सन ने कन्वेक्स लेंस यूज किया है तो उसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हाइपरमेट्रोपिया होगा। अगर वो बोल दें उसे दोनों के दोनों लेंस यूज किए हैं, मतलब बायफोकल लेंस यूज किए हैं, तो उसका आंसर हमारा सी होगा, प्रेस्टोपिया, है ना। तो ऐसे मोल्ड कर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और इस पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर किसी बंदे को दूर का दिखाई नहीं दे रहा, नजदीक का दिखाई दे रहा है, उसे कौन सा डिफेक्ट है, तीन की तीन ऑप्शन आपके सामने रहेंगी, सो इस पर टिक लगा देना है, अगर किसी को नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा तो हम इस पर टिक लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है 2020 बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्लियर।
So the 12th question is, identify the correct statement regarding the propagation of light of different colors of white light in air. कहता है कि हमारी जो एयर है उसमें जो व्हाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स हैं वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है. सो उसमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. क्या करेक्ट होगा कि रेड लाइट मूव फास्ट, कि जो कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में, सेवन कलर्स होते हैं ना विब गोयर सीरीज, आपको याद होगी. सो बोलता है कि कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से सही होने वाली है. पहली स्टेटमेंट है कि रेड लाइट जो है वो ज्यादा ज्यादा फास्ट चलती है. सेकेंड है कि ब्लू लाइट मूव फास्ट देन ग्रीन. थर्ड वन इज येलो लाइट मूव फास्ट. डी इज ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड. सो राइट आंसर इज डी. जो हमारा ऑल कलर्स होते हैं ना व्हाइट लाइट के, वो सिमिलर स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं इन एयर, बट अगर किसी और मीडियम में जाएंगे तो उनकी जो स्पीड है वो वेरी करती है. क्लियर. सो 13 क्वेश्चन इज विच कलर मूव फास्टर. हाँ, हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें बेस्ड है. अगर हमारी जो लाइट है वे ग्लास प्रिज्म में बोल रहा है, किसी और मीडियम में ट्रेवल करती है, तो कौन ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा. विच कलर मूव फास्टर और लीस्ट डेविएशन व्हेन लाइट पास थ्रू ग्लास प्रिज्म. सो ये वाला क्वेश्चन आपको दो टाइप से आ सकता है. एक तो ऐसे पूछेंगे विच कलर मूव फास्टर व्हेन लाइट पास थ्रू ग्लास प्रिज्म. कौन सा कलर है जो मूव फास्ट करता है जब वो ग्लास प्रिज्म में से लाइट पास करती है. सो इसका राइट आंसर इज रेड. या तो ऐसे पूछ सकते हैं विच कलर लीस्ट डिविएट व्हेन लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तब भी इसका आंसर रेड ही होने वाला है. और हाँ, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच कलर मूव स्लोअर और मैक्सिमम डिविएशन. ध्यान से सुनना बच्चों, विच कलर मूव स्लोअर और मैक्सिमम डिविएशन. मैक्सिमम डिविएट कौन होता है वो वायलट, ठीक है. फिर वायलट आंसर आएगा अगर यहाँ पर आ गया मूव स्लोअर और मैक्सिमम डिविएशन. सो द 14th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. रेनबो में बताना है कि कौन सा फिनोमिना आकर होता है. इसमें आंसर जो हमारा होगा वो बी रहेगा. पहले रिफ्रैक्शन होती है, फिर डिस्पर्शन होती है, एंड देन TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्या मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैंने इसकी TIR इसकी शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है. सो 15th क्वेश्चन इज एंड एट नून द सन अपियर्स व्हाइट. कहता है कि जब दोपहर का समय होता है तो सन व्हाइट व्हाइट क्यों नजर आता है. क्योंकि उस समय जो हमारा सन होता है वो सीधा हमारे हेड के ऊपर होता है, तो जो हमारी लाइट है वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो हमारी जो लाइट है वो लीस्ट स्कैटर होती है. सो राइट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस वजह से होते हैं. आंसर इज बी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब हम थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है. सो ए 17th क्वेश्चन क्या है. द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू. स्काई ब्लू क्यों होता है. सो इसका राइट आंसर है सी वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमोस्फियर. एंड द 18th क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट कंट्रीब्यूट टू रेडिश अपियरेंस ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट. सनराइज और सनसेट के समय जो है उसका कलर रेड रेड क्यों होता है. इसका आंसर क्या है हमारा, बोलो क्या है. सो द आंसर इज बी दैट इज स्कैटरिंग. नेक्स्ट वन इज ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू. सो आंसर इज बी स्कैटरिंग ऑफ स्काई एंड वाटर. कहता है कि जो वाटर है ना उसका जो कलर होता है वो ब्लू ब्लू क्यों होता है. उसका आंसर है कि जो हमारा ब्लू कलर है वो स्कैटर कर जाता है. सो आपको बच्चों से बात याद रखनी है कि जो हमारा ब्लू कलर होता है ना उसकी जो वेव लेंथ होती है वो क्या होती है. हमारी वेव लेंथ ज्यादा होती है कि कम होती है. अगर वेव लेंथ ज्यादा होएगी तो स्कैटरिंग कम होएगी. अगर वेव लेंथ कम होएगी स्कैटरिंग ज्यादा होएगी. दैट इज हमारी जो स्कैटरिंग होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेव लेंथ. लैम्डा क्या है, वेव लेंथ. वेव लेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है. सो 19 और 20 क्वेश्चन मैं आपको एक साथ समझा देती हूँ. 20th क्वेश्चन है द डेंजर सिग्नल आर रेड. डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं. तो इसका आंसर है बिकॉज रेड कलर कम स्कैटर करता है. सो आपको याद रखना है कि जो हमारा रेड कलर होता है उसकी वेव लेंथ ज्यादा होती है. अगर इसकी वेव लेंथ ज्यादा है दैट मीन्स इसकी जो स्कैटरिंग है वो कम होगी. सो आंसर इज स्कैटर लीस्ट. बट जो हमारा ब्लूइश कलर है उसका जो लैम्डा होता है वो कम होता है.
The next one is when a light rays enter the eye, most of refraction occur at, कहता है कि जब हमारी आई में light rays enter करती हैं तो most of the refraction किस part पर होता है, तो answer is B, outer surface of cornea, ठीक है. So the next is defect of vision which can't be corrected by a lens, कौन सा defect है जो lens लगाने पर भी सही नहीं हो पाता, answer is D, cataract, ठीक है. Next is a person can't see the fundamental color, this defect is called, अगर कोई पर्सन है जो फंडामेंटल कलर भी नहीं दे पाता तो उसे कौन सा डिफेक्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस का, ठीक है. लास्ट वन इज ऑफ वी सी सनसेट डैश एक्चुअल सनसेट अपीयर, कहता है कि जब सनसेट होता है तो एक्चुअल सनसेट से पहले हम कब सनसेट देख पाते हैं, तो आंसर इज 2 मिनट, 2 मिनट के बाद जब हम जो है सनसेट देखते हैं. अगर यहाँ पर ऐसे आ गया वी सी सनराइज एक्चुअल सनराइज यहाँ पर मतलब सनसेट की जगह सनराइज आ गया, सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होएगा, ठीक है. सनसेट के टाइम 2 मिनट आफ्टर लिखना है, सनराइज के टाइम 2 मिनट बिफोर लिखना है. आई थिंक आपको सभी के सभी कंसेप्ट आते हैं, सो मैंने जस्ट आपको एमसीक्यू बता दिया कि ऐसे एमसीक्यू हर टॉपिक में से रहेंगे, ठीक है. And the one important thing is, if you like my videos, then please like and share my videos to your friends and also subscribe my channel. और हाँ, bell icon दबाना मत भूलना, otherwise आप मेरी हर video का new notification, new video miss करते जाओगे. So बच्चों, इन MCQ अच्छे से practice कर लेना, और मैंने अपने channel पर जो है important questions की video भी डाल रखी है, तो मैं description box में उनका link भी रख दूंगी, सो उनकी जाकर भी practice कर लेना. सो मिलती हैं आप next video में, तब तक के लिए bye bye, take care.